हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम प्राणायाम कर लेते हैं 2 मिनट तक। ओके, टेकिंग पोजिशन ऑफ अ पद्मासना, मेकिंग मुद्राज हैंड, ज्ञान मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा एंड डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इसी प्रकार से करते रहें। श्वास अंदर श्वास बाहर। चलिए साथ साथ में हम आज के टॉपिक के बारे में भी बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है, आज का योगासन कौन सा है और उसका नाम क्या है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बद्ध विपरीत कुर्मासना के ऊपर है। जो मैं योगासन आज आपको करके बताऊंगा वो योगासना है बद्ध विपरीत कुर्मासना। ओके, बद्ध विपरीत कुर्म आसना। इसके बारे में मैं आज आपको टेक्निक, मेथड, ट्रिक्स एंड टिप्स एंड बेनिफिट्स बताऊंगा, किसके क्या क्या प्रभाव हैं और इसको कैसे कैसे किया जाना चाहिए। बद्ध विपरीत कुर्मासना को करने का सही तरीका कौन सा है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ओके, वैसे भी आप लोग मेरा वीडियो फुल वॉच नहीं करते हो, तभी तो मेरा ऑडियंस रिटेंशन 1% है। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरा काम है सर्विस प्रोवाइड कराना। ओके, मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचता। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। एक गहरी श्वास भरें, लाई डाउन ऑन बैक, पीठ के बल लेट जाएं, थोड़ा सा फ्रंट देख लेते हैं। तो चलिए अब दोनों टांगों को फोल्ड करें और फॉरवर्ड बेंड फ्लोरिंग की पोजीशन में अपनी टांगों को साइड में खोलें। ओके, बिल्कुल साइड में, क्लोज करके ना खोलें, बिल्कुल साइड करके खोलें, जिससे कि आपके घुटने नीचे प्लेस हो सकें। तो चलिए इस प्रकार से जैसे मैं वीडियो में करके बता रहा हूँ, और अपने दोनों हाथों को घुटने से अंदर से ले जाते हुए अपने घुटने को नीचे फ्लोर पर प्लेस करें। शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकती है, योगा को योग गुरु सुपरविजन में ही करें या अपने किसी पार्टनर के साथ कर लें। आपके पांव के जो फीट हैं उनको हवा में ना रखें, उनको जमीन के साथ टच करें। ओके, और फुल स्ट्रेच्ड करें पीछे की तरफ। ओके, इस प्रकार से जैसे आप थोड़ा थोड़ा यहीं फ्रंट व्यू में देख पा रहे होंगे, पीछे पांव लगे हुए हैं वो देखिए। अब अपने दोनों हाथों को आगे ले आइए और पीठ में एक ग्रिप बना लीजिए, उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर। ओके, इसी प्रकार से आपने इस आसना को करना है। यह फाइनल पोस्चर ऑफ बद्ध विपरीत कुर्म आसना, यह आसन इस प्रकार से ही किया जाता है। ओके, इस आसना को करते टाइम आप नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहें, इनहेल एक्सहेल। इस आसना में होल्डिंग टाइमिंग आपकी कम से कम 2 मिनट अवश्य होनी चाहिए। धीरे धीरे हाथों को खोल लें और अपनी टांगों को सीधा करें पीछे, और धीरे धीरे नीचे ले आएं और
दोनों टांगों को सीधा कर लें आगे की तरफ, हाथ भी आगे ले आएं, और उसके बाद इनहेल एक्सहेल वापस आ जाएं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा साइड व्यू ऑफ बद्ध विपरीत कूर्म आसना का, साइड व्यू में आपको बताऊंगा। तो चलिए उसको करने से पहले क्या करें, अपने एक स्थान पर लेट जाएं, पीठ के बल। ये देखिए अब आप देख पाएंगे कि कैसे पोस्चर और कैस की स्थिति रहती है। तो चलिए पीठ के बल लेट जाएं इस प्रकार से, और आप अपने दोनों टांगों को सीधा आगे की ओर फैला लें। तत्पश्चात दोनों टांगों को फोल्ड करें, उसके बाद अपने घुटनों को छाती की तरफ ना ले आते हुए साइड में ले जाएं, ओके इस प्रकार से, और दोनों घुटनों को घुटनों के अंदर से अपने हाथों को बाहर की ओर निकालें इस प्रकार से, जैसे मैं आपको संकेत में बता भी रहा हूँ वीडियो में संकेत करके कि कैसे कैसे हाथों को रखना है, ओके। तो चलिए अब अपने पाँव को स्ट्रेच्ड करें इस प्रकार से, आपने अंगूठे को बिल्कुल फुल्ली स्ट्रेच करें और फ्लोर के साथ टच करें, और घुटना भी आपका फ्लोर के साथ लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद अपने हाथों का ग्रिप बनाकर उसे इस प्रकार से रखें, ओके, और अपने सर को भूमि यानी कि जमीन के साथ टच रखें। यह फाइनल पोस्चर ऑफ बद्ध विपरीत कूर्म आसना। इस आसना में 2 मिनट तक अवश्य रहें। यदि आप बिगनर है, स्टार्टनर है और न्यू है योगा में, तब आप योगा गुरु के सुपरविजन में ही योगा को करें, या किसी इंस्ट्रक्टर, योगा ट्रेनर, योगा टीचर, ओके, इन्हीं की देखरेख में योगा को किया जाना चाहिए, ओके। मैं वीडियोस अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। चलिए वापस आ जाएं धीरे धीरे। इन्हेल एक्सहेल, अपने हाथों को बिल्कुल पीछे रखें, दोनों टांगों को वापस ले आएं इस प्रकार से, और दोनों घुटनों को सीधा करें, हाथों को भी आगे ले आएं। एक प्रश्वास करें, इन्हेल एक्सहेल गेट अप, ओके, इसी प्रकार से करते रहें। अब मैं आपको बताऊंगा बैक व्यू ऑफ बद्ध विपरीत कूर्म आसना। बद्ध विपरीत कूर्म आसना का मैं आपको अभी बैक व्यू बताऊंगा कि पीछे से बॉडी की पोस्चर और बॉडी की स्थिति कैसी होनी चाहिए जब यह आसन पूरी तरह से लगा हुआ होता है, ताकि आपको आसानी हो जानने और समझने में। यदि आपका क्वेश्चन फिर भी या डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ओके। दोनों घुटनों को पीछे ले आएं, अपने पाँव को इस तरह से ना रखें, इस तरह से रखें, ओके, तले की तरफ से ना रख के अपने पाँव, दोनों पाँव को बिल्कुल ऊपरी सतह की तरफ से जमीन के साथ टच करें, और अपने दोनों हाथों से पीछे पीठ की तरफ एक ग्रिप बनाएं, तत्पश्चात अपने सिर को पीछे रख दें, ओके, और अपनी बॉडी को इस पोस्चर में आने के बाद बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे कि आप एक नॉर्मल अवस्था में रहते हैं, और नॉर्मल से सांस लेने की कोशिश करें, ब्रीदिंग करते रहें। इस आसना में आपको लगभग 2 मिनट तक बने रहना है, ओके। तो ये था, मैंने टेक्निक्स बता दिए, मेथड बता दिए, राइट वे टू डूइंग बद्ध विपरीत कूर्मासना, बद्ध विपरीत कूर्मासना को करने का सही तरीका भी मैंने साथ साथ में आपको बता दिया है। दोनों हाथों को पीछे ले आएं, टांगों को ऊपर लेकर जाएं, और फिर दोनों घुटनों को सीधा करें इस प्रकार से, हाथों को भी इनहेल एक्सहेल एक प्रश्वास करें, और उठ जाएं वापस अपनी पोजीशन के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा साइड व्यू ऑफ बद्ध विपरीत कूर्म आसना का, ओके। वो दूसरी साइड से था, वो लेफ्ट साइड से था, ये राइट साइड से होगा, ओके। अब आप देख रहे हैं ना आपका राइट कौन सा है और लेफ्ट कौन सा है, ओके, या मैं भी देख लेता हूँ मेरा लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। तो ये मेरा
राइट साइड है। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस आसना के बारे में। लाई डाउन ऑन बैक, देन फोल्ड योर बोथ लेग्स, टेक डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, फोल्ड योर बोथ लेग्स इनटू योर बैक थाइज, स्टार्ट फोल्डिंग लेग्स, देन नाउ योर नीज गोज बैक एंड प्लेस इनटू फ्लोर, देन योर फीट शुड बी स्ट्रेच्ड, देन नाउ योर आर्म्स गोज अप टू बैक कर्ली थाई, थाई नीज जॉइंट साइड एंड मेकिंग द ग्रिप ऑन योर बैक, देन नाउ प्लेस योर फोरहेड इनटू फ्लोर। इट इज द फाइनल पोस्चर ऑफ अ बद्ध विपरीत कूर्म आसना। इस आसना में आप बने रहें। ओके, इट इज द टोटल अबाउट द टेक्निक्स मेथड ट्रिक्स एंड टिप्स आई एम सेइंग बद्ध विपरीत कूर्म आसना फुल ट्यूटोरियल वीडियो। सो नाउ आई एम सेइंग यू बेनिफिट ऑफ बद्ध विपरीत कूर्मासना। बद्ध विपरीत कूर्मासना के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या इसके लाभ हैं वे मैं आपको बताता हूँ। इस आसना को करने से आपके जो नीज ज्वाइंट है, आपके जो फीट के ज्वाइंट है, आपकी बैक है, आपके शोल्डर हो गए, आपके रिस्ट हो गए, आपकी एल्बोज हो गई और आपकी लेग्स हो गई, और ख़ासकर आपकी थाइज एंड लेग्स की जो वीकनेस रहती है उसको यह रिमूव करता है। ओके, आपके पांव, हाथ, कुहनियाँ, घुटने, कमर, छाती, गर्दन के कमजोरी को दूर करता है। ओके, और साथ ही साथ आपके पेट में जो वायु रहती है उसके विकार दूर होते हैं। ओके, स्टमक के विकार दूर होते हैं, घुटने के विकार दूर होते हैं, पांव के विकार दूर होते हैं और आपके गर्दन के शोल्डर के विकार दूर होते हैं। तो यह थे इसके बेनिफिट और लाभ जो मैंने आपको बता दिए हैं। इट इज़ द टोटल अबाउट दैट आई एम सेइंग यू टेक्निक्स ट्रिक्स टिप्स मेथड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ बद्ध विपरीत कूर्म आसना। सो वी आर नाउ एंडिंग ऑफ द योगासना पोस्चर दैट वी आर डूइंग मेडिटेशन डूइंग मैक्स इन वीडियो 2 मिनट्स। ओके, टेकिंग पोजिशन प्राणायाम मुद्रा ज्ञान मुद्रा, इनहेल एक्सहेल, ब्रीद इन ब्रीद आउट, श्वास अंदर श्वास बाहर। प्राणायाम करते समय आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी, चेहरा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ और पीठ बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ओके, जिससे कि आपके श्वास की गति का प्रवाह बना रहे। इस प्रकार से अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखें और आपके कानों में सिर्फ एक ही ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, वह है सिर्फ आपके श्वास की ध्वनि। ओके, इनहेल एक्सहेल, ब्रीद इन ब्रीद आउट, श्वास अंदर श्वास बाहर। इसी प्रकार से इस क्रिया को 2 मिनट तक वीडियो में दोहराते रहेंगे। तो चलिए वापस आ जाएं। अब हम शुरू करेंगे, हमने 3 बार ओम का मंत्र उच्चारण करना है। ओके, तो चलिए टेक डीप ब्रीथ, इनहेल ओ
दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें। गर्मी का एहसास होने पर अपने चेहरे के साथ स्पर्श करें। रब योर बोथ हैंड्स एंड पाम्स, फील हीट, देन टच इज योर फेस, इट्स गिविंग यू लाइफ एनर्जी, जीवन ऊर्जा। तो ये था आज का योगासन पूर्ण क्रिया जो मैंने आज आपको करके बता दी है, किया मैंने वीडियो के द्वारा है और बोलकर मैं ऑडियो में रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट योगासना, नेक्स्ट पोस्चर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। धन्यवाद।